तो वेलकम बैक गाइस एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हॉलीवुड की सबसे बेहतरीन एक्शन एडवेंचर रोमांटिक ड्रामा मूवीज के बारे में। अगर आप लोगों को भी हॉलीवुड की ड्रामा रोमांटिक मूवी देखना पसंद है तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, नहीं तो आपकी फेवरेट मूवी आपसे मिस हो जाएगी। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे भी आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलती रहे। और अगर आप लोगों को ये मूवी हिंदी में देखना है तो आप लोगों को इन वीडियो का लिंक मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लेकिन मूवी देखने से पहले प्लीज मूवी की थोड़ी बेसिक स्टोरी जरूर देख लेना, क्या पता आपको कौन सी मूवी पसंद आ जाए। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। नंबर वन, वॉरक्राफ्ट। ये मूवी 2016 में रिलीज हो चुकी एक एक्शन एडवेंचर मूवी है। अगर बात करें इस मूवी की कहानी की तो इस मूवी में कहानी देखने को मिलती है एक दूसरे प्लेनेट की, जिस पर बहुत ही कम लोग बचे हैं। और उस प्लेनेट पर एक जादुई दरवाजा होता है और तभी उस दरवाजे से दूसरी दुनिया के लोग उस प्लेनेट पर आ जाते हैं और वो लोग उस प्लेनेट पर आकर तबाही मचाने लगते हैं और वहाँ के लोगों को टपकाने लगते हैं। लेकिन उन लोगों में से कुछ अच्छे भी होते हैं जो वहाँ के लोगों की मदद करते हैं। अब आगे इस मूवी में क्या कुछ होता है ये सब जानने के लिए तो आपको ये मूवी एक बार जरूर ट्राई करनी चाहिए। आप लोगों को ये मूवी हिंदी में यूट्यूब पर देखने को मिल जाएगी। नंबर टू, द सेवेंथ सन। ये मूवी 2014 में रिलीज हो चुकी एक एडवेंचर फैंटेसी मूवी है। अगर बात करें इस मूवी की कहानी की तो इस मूवी में कहानी देखने को मिलती है एक बूढ़े आदमी की, जो एक मॉन्स्टर हंटर होता है। और एक दिन इस बूढ़े आदमी को पता चलता है कि चुड़ैलो की रानी कैद से आजाद हो चुकी है जिसने उसे कैद किया था। लेकिन ये बूढ़ा आदमी उस का शिकार करने के लिए अकेले ही निकल पड़ता है और एक और व्यक्ति होता है जो इस बूढ़े व्यक्ति का साथ देगा। अब आगे इस मूवी में इस बूढ़े व्यक्ति के साथ क्या कुछ होता है, क्या ये विच को पकड़ पाएगा या नहीं, ये सब जानने के लिए तो आपको ये मूवी एक बार जरूर ट्राई करनी चाहिए। आप लोगों को इस मूवी में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा और आप लोग इस मूवी को हिंदी में यूट्यूब पर देख सकते हो। नंबर थ्री, किट। ये मूवी 2021 में रिलीज हो चुकी बेहतरीन एक्शन मूवी है। अगर बात करें इस मूवी की कहानी की तो इस मूवी में कहानी देखने को मिलती है एक ऐसे बंदे की जो पैसे लेकर दूसरे लोगों को टपकाने का काम करता है। और इसी मूवी में एक लड़की भी होती है और लड़की भी यही काम करती है दूसरे लोगों को टपकाने का। तभी इस लड़की को टोक्यो भेजा जाता है एक लड़की को टपकाने के लिए। लेकिन जब ये लड़की अपने मिशन को पूरा करने के लिए जाती है तो वो देखती है कि उसका जो टारगेट है वो तो बहुत ही सीधा सीधा लड़का है। तो आगे अब इस मूवी में क्या कुछ होता है ये सब जानने के लिए तो आपको ये मूवी एक बार जरूर ट्राई करनी चाहिए और आप लोग इस मूवी को हिंदी में यूट्यूब पर देख सकते हो। नंबर फोर, गॉड ऑफ इजिप्ट। ये मूवी 2016 में रिलीज हो चुकी एक एक्शन एडवेंचर मूवी है। अगर बात करें इस मूवी की कहानी की तो इस मूवी में कहानी देखने को मिलती है इजिप्ट की, जहां पर भगवान इंसानों के साथ रहते हैं। लेकिन एक दिन एक मॉन्स्टर इजिप्त के राजा को टपका देता है और वहां का राजा बन जाता है। तभी इजिप्त का एक बंदा निकल पड़ता है उस मॉन्स्टर को टपकाने के जुगाड़ ढूंढने के लिए। अब आगे इस मूवी में क्या कुछ होता है ये सब जानने के लिए तो आपको ये मूवी एक बार जरूर ट्राई करनी चाहिए और आप लोगों को इस मूवी में बहुत ज्यादा एक्शन एडवेंचर देखने को मिलेगा और आप लोग इस मूवी को हिंदी में यूट्यूब पर देख सकते हो। नंबर फाइव, पर्सी जैक्सन सी ऑफ द मॉन्स्टर। ये मूवी 2013 में रिलीज हो चुकी एक एडवेंचर एक्शन मूवी है। अगर बात करें इस मूवी की कहानी की तो इस मूवी में कहानी देखने को मिलती है एक वॉर की, जिसे ख़त्म करने के लिए एक गोल्डन फ्लैश की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इस गोल्डन फ्लैश को ढूंढना इतना भी आसान नहीं होता, क्योंकि ये गोल्डन फ्लैश समुद्र की गहराई में होता है जो मॉन्स्टर से घिरा हुआ होता है। तो क्या कोई इंसान इस गोल्डन फ्लैश को ढूंढ पाएगा या नहीं, ये सब जानने के लिए तो आपको ये मूवी एक बार जरूर ट्राई करनी चाहिए। आप लोगों को इस मूवी में एक्शन तो कूट कूट कर देखने को मिलेगा और आप लोग इस मूवी को हिंदी में यूट्यूब पर देख सकते हो। नंबर सिक्स, क्लैश ऑफ द टाइटन्स। ये मूवी 2010 में रिलीज हो चुकी कमाल की एक्शन एडवेंचर मूवी है। अगर बात करें इस मूवी की कहानी की तो इस मूवी में कहानी देखने को मिलती है एक ऐसे बंदे की जो आधा गॉड और आधा इंसान होता है। लेकिन अचानक से इजिप्ट के कुछ लोग उस बंदे पर हमला कर देते हैं, जिसके कारण उस बंदे की फैमिली को इजिप्ट के लोग टपका देते हैं। तभी वो बंदा डिसाइड करता है जिन लोगों ने भी उसकी फैमिली को टपकाया है ये बंदा उन्हें जरूर ढूंढेगा और उनसे अपना बदला लेगा। अब आगे इस मूवी में क्या कुछ होता है ये सब जानने के लिए तो आपको ये मूवी एक बार जरूर ट्राई करनी चाहिए। आप लोगों को इस मूवी में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा और आप लोग इस मूवी को हिंदी में यूट्यूब पर देख सकते हो।
नंबर 7 स्टार डस्ट। ये मूवी साल 2007 में रिलीज हो चुकी कमाल की एक्शन साइंस फिक्शन मूवी है। अगर बात करें इस मूवी की कहानी की तो इस मूवी में कहानी देखने को मिलती है एक तारे की जो टूटकर धरती पर गिरा होता है। तभी कहानी फोकस करती है एक लड़के पर जो अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने के लिए उस टूटते हुए तारे को लेने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन जब ये लड़का उस तारे के पास पहुँचता है तो वो तारा तारा नहीं होता बल्कि वो तारा एक लड़की का रूप ले लेता है। अब आगे इस मूवी में क्या कुछ होता है ये सब जानने के लिए तो आपको ये मूवी एक बार जरूर ट्राई करनी चाहिए। अगर आप लोगों को भी एक्शन साइंस फिक्शन मूवी देखना पसंद है तो आप लोगों को ये मूवी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और आप लोग इस मूवी को हिंदी में यूट्यूब पर देख सकते हो। नंबर 8 द होबिट। ये मूवी साल 2012 में रिलीज हो चुकी कमाल की मैजिकल मूवी है। अगर बात करें इस मूवी की कहानी की तो इस मूवी में कहानी देखने को मिलती है एक ऐसे बंदे की जो अपनी लाइफ को बड़े ही आराम से एंजॉय कर रहा होता है। तभी उस बंदे की लाइफ में एक जादूगर आता है और वो जादूगर उस बंदे को कुछ मैजिकल पावर ढूंढने के लिए कह देता है और तभी वो बंदा निकल पड़ता है उस मैजिकल पावर को ढूंढने के लिए। लेकिन उस बंदे के सामने कुछ लोग आ जाते हैं जो खजाने को ढूंढ रहे होते हैं। अब आगे इस मूवी में क्या कुछ होता है ये सब जानने के लिए तो आपको ये मूवी एक बार जरूर ट्राई करनी चाहिए और आप लोग इस मूवी को हिंदी में यूट्यूब पर देख सकते हो। नंबर 9 जैक द जायंट स्लेयर। ये मूवी साल 2016 में रिलीज हो चुकी एक एक्शन एडवेंचर मूवी है। अगर बात करें इस मूवी की कहानी की तो इस मूवी में कहानी देखने को मिलती है एक बीज की जिसको अगर पानी में डाल दिया जाए तो वो पल भर में ही उस बीज से एक बड़ा सा पौधा निकल जाता है और ये पौधा इतना बड़ा होता है कि ये दूसरी दुनिया से जाकर जुड़ जाता है और इस पौधे के जरिए ही हमारे हीरो पहुंच जाते हैं ऐसी दुनिया में जहां पर बड़े बड़े मॉन्स्टर होते हैं जो इंसानों को टपकाया करते हैं। अब आगे इस मूवी में क्या कुछ होता है ये सब जानने के लिए तो आपको ये मूवी एक बार जरूर ट्राई करनी चाहिए और आप लोग इस मूवी को हिंदी में यूट्यूब पर फ्री में देख सकते हो।